पटना में बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को उनके कार्यालय के सामने अपराधियों ने गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत काफी नाजुक है। वहीं पटना के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी का देखिए, वही दूसरी और सीसीटीवी का दूसरा फुटेज सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सात शूटरों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन कर अंदर मामले का उद्भेदन करने का आश्वासन दिया है। इसमें जो है पप्पू राय, भप्पू राय और गोरख राय, तीनों पता स्वर्गीय महेंद्र राय, इन लोगों को नामजद किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। ये लोग फरार हैं सर या पूछताछ हो रही है? नहीं, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, अभी फरार है। नहीं, देखिए शूटर की पहचान नहीं हुई, हमने ये नहीं कहा कि शूटर की पहचान, हमने ये कहा कि तकनीकी अनुसंधान में काफी प्रगति हुई है जिसके आधार पर हम लोग शीघ्र ही शूटर्स की पहचान कर लेंगे। जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में आया है वो 5 की है, ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में 5 व्यक्तियों की जो घटना स्थल पर उपस्थित थे शूटर के रूप में उनकी पहचान की। पूरे मामले को लेकर हमारे साथ पटना से संवाददाता विवेक कुमार रॉय जुड़ चुके हैं। विवेक, सात शूटरों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, इसी आधार पर निश्चित तौर पर पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। जी, दूसरा फुटेज जो सामने आया है जब बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था और जिस तरह के बहुत इलाका व्यस्तम इलाका में दिन दहाड़े अपराधियों ने दो पहिया वाहन से आते हैं और चार लोग उनके गाड़ियों पे दे दन दन बैक टू बैक फायर करते हैं जिसमें घायल हो जाते हैं, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दूसरा वीडियो है की जो की घटना से पहले की वीडियो है कि जो प्री प्लानिंग के तहत जो साफ सुथरा है वो घर से ही नीलेश मुखिया की रेकी करते नजर आते हैं। आप साफ तौर पे देखते हैं कि जो जो जो, जो हमलावर थे वो किराना स्टोर में जाते हैं, हेलमेट उतारते हैं, वहां से मास्क पहनते हैं, फिर मास्क पहनकर फिर हेलमेट पहनकर फिर आप साफ तौर पे देखते हैं कि वो उसी नीलेश मुखिया के घर के सामने अपने वाहन में हवा भराते हैं और कुर्सी पे बैठ कर रेकी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत साफ सुथरों का ये घटना का अंजाम दिया गया था और पटना पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही पटना पुलिस इस कांड का उद्भेदन कर देगी। हालांकि बात करें तो जो आरोपी हैं जिनके नीलेश मुखिया के जो बड़े भाई सुरेश राय हैं, उन्होंने 3 लोगों को नामजद आरोपी व्यक्त किया है जहां की पाटलिपुत्रा थाने में FIR दर्ज किया गया था, जो की पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय को नाम दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर आरोपी जो पप्पू राय है वो एक वीडियो साझा करते हैं, वीडियो के तहत उन्होंने साफ तौर पर पटना पुलिस से कहते हैं कि हम डिका थाने को फोन किए, पाटलिपुत्रा स्थितों को फोन किए, टीसी को फोन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, नीलेश मेरा छोटा भाई है और पुलिस जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, अब पुलिस जहां बोलेगी वहीं हम पहुंच जाएंगे। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अपराधी घटना से पहले रेकी करते हैं, रेकी कर घटना को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया का जो इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच की पुलिस है, वो कहीं ना कहीं जो सूत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है और जो अपराधी है घटना को इतनी बड़ी अंजाम देकर अपौध इलाके बोरिंग रोड हो कुर्जी मोड़ होते हुए निकल जाते हैं और पटना पुलिस की हाथ अभी भी खाली रहती है। हालांकि पटना के SSP राजीव मिश्रा ने कहा है कि 48 घंटों के अंदर अपराधियों को धर दबोचा जाएगा और जो साफ शूटर है उसकी पहचान कर ली जाएगी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ पटना से विवेक कुमार रॉय जुड़े, जिन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर पुलिस लगी हुई है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ के निश्चित तौर पर जेल भिजवाएगी।